Hello everyone, welcome back to my channel. Assalamu alaikum, my कैसे हैं? तो चलिए आज बनाते हैं मटन की बिरयानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 टीस्पून ऑयल लेंगे और 5 ऑनियन चॉप लिया है हमने यहाँ पर। तो इनको हमें पहले फ्राई करना है। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना मटन ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब मटन लिया है। और ये देखिए, मैंने प्याज तली हुई सारी प्याजें निकाल ली हैं और कुकर में हमने गोश्त डाल दिया था, अपने जो ऑयल बचा था। अब हम इसे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यहाँ पे मैंने 1 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1.5 किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप वाटर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मटन यहाँ से अच्छे से मसाले मिल जाए। और हम सीटी लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से कर जाए। 15 मिनट के लिए हमें सीटी लगानी है। तो चलिए कुछ स्पाइसेस देख लेते हैं, ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने कुछ खुशबू मसाला लिया है और इसमें हो गया है 1 टीस्पून जावित्री ली है, 20 लौंग ली है, 4 छोटी इलायची है और 1 टीस्पून बिरयानी मसाला है, और यहाँ पर मैंने 3 बड़ी इलायची ली है। तो इनको हम प्याज के साथ अच्छे से पीस लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा मटन गल चुका है और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। और इस पेस्ट के साथ में अपने गोश्त को भून लेना है खूब अच्छे से। और जो हमने थोड़ा सा पेस्ट 1 टीस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर पेस्ट को बचा लिया था, तो इसमें हम 2 चम्मच केवड़ा जल डालेंगे और 1/2 टीस्पून फूड कलर डालेंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मीठा इतर डालेंगे, 3-4 ड्रॉप मीठा इतर के डालेंगे और इन सब पेस्ट को अच्छे से बना लेंगे कलर डाल के। वो जो ऑनियन वाला स्पाइसेस वाला पेस्ट था उसको 1 चम्मच के करीब हमने पेस्ट को रोक लिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर मेरा चावल उबल चुका है। यहाँ पर हम अखनी लगाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था हम लोग अखनी वाली बिरयानी बनाते हैं, तो लखनऊ में बहुत फेमस है। तो फिर उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे हमने चिकन की बिरयानी बनाई थी। तो बस मेथड सारा एक ही है, बस ये कि इंग्रेडिएंट्स उसमें कुछ पड़ते हैं और इसमें कुछ पड़ते हैं। तो अब हमने यहाँ पर गोश्त को डालना है। हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया था, तो अब हम उसे जो है अखनी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने 1 परत लगाई और उसके ऊपर गोश्त की तह लगा दी है। अब हम इसके ऊपर फिर से चावल डालेंगे। अब हम दूसरी परत को लगाएंगे। अगर हमने 1.5 किलो गोश्त लिया तो हमें 1.5 किलो राइस लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो राइस लिया है क्योंकि हमारे यहाँ दावत थी, तो हमने मटन की बिरयानी बनाई थी। तो मैंने दूसरी परत लगाई है और अब हम ऊपर से फूड कलर डाल देंगे और इसको दुपट्टा लगा के मैंने इस पर दम को लगाया है। या आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन चिकन वाली बिरयानी में मैंने पेपर का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर मैंने दुपट्टे का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यम्मी एंड डिलीशियस बिरयानी बनी थी और हमने इसे रायते के साथ सर्व किया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।